Redmi Note 5 Pro के लिए MCESP ROM का न्यू बिल्ड आया हुआ है और इसका भी लास्ट रिव्यू करीब दो से थ्री मंथ पहले किया हुआ था रिव्यू और अभी यहाँ पे करने वाला, और ये 4.19 बेस्ड कर्नल के साथ में आता ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ओवरक्लॉक्ड कर्नल के साथ देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल ओवरक्लॉक्ड है और पहले से अभी तक में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस एंड यूआई में भी चेंज हुआ है, बैटरी के अंदर में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ और हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसा कि एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ में आता है, सिक्योरिटी पैच अपडेट करके फरवरी 2023 का किया गया है एंड कर्नल यहाँ पे सेम 4.19 बेस्ड मिलता है लेकिन अपडेटेड है, साथ ही साथ ओवरक्लॉक कर्नल है ये। और सेलिनक्स परमिशन मिलता है, पहले भी परमिशन था, अब यहाँ पे सीपीयू जेड पे आपको दिखाता हूँ, ये जो है ओवरक्लॉक्ड है 2.21 गीगाहर्ट्ज पे देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं एनिमेशन भी इसका काफ़ी बेटर हो गया है, एनिमेशन तो बिल्कुल लैग जो था वो ख़त्म सही हो गया है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ अब देखने को मिल रहा है इसके अंदर में। अगर हम देखें यहाँ पे अभी एनिमेशन उस टाइम के मुकाबले, तो हालांकि टाइल्स यहाँ पे काफ़ी कुछ इधर से उधर मूव हुए हैं लेकिन चेंज आपको कुछ ही देखने को मिलेंगे। नीचे वो भी देखने को मिलते हैं, कंपास का हो गया, ऑटो ब्राइटनेस का हो गया, तो न्यू यहाँ पर मिलता है सिर्फ इतने ही, ज़्यादा चेंज उसे नहीं हुए हैं। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनेट वाले टाइल की, तो उसमें आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है और इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी स्टार्टिंग के दो पहले थे, अब तीन और ऑप्शन ऐड कर दिए गए। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग स्टार्ट होते ही थोड़ा सा लैग होता है लेकिन उसके बाद बिल्कुल लाइट सा लैग आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी। तो ये भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, इसका एनिमेशन भी इंप्रूव हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी जो लैग होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। हालाँकि वॉल्यूम आपका स्मूथ या एक्सपेंड हो जाता है। ऐप ओपनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, फास्ट ऐप ओपनिंग मिल जाता है और स्मूथ रहने वाला है, लैग बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, रिसेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले पिक्सल वाला लॉन्चर मिलता था, अब यहाँ पे चेंज है, तो कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। रैम इन्फो भी देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अब अगर कॉलिंग की बात करें तो वॉल्टी काम करता है, कैरियर वीडियो कॉल को लेकर बग रहेगा पहले की तरह, और वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा वो भी यहाँ पे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हालांकि आपका अच्छे से काम कर जाता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग भी काम करता है, पहले भी काम करता था, बस अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया और कॉलिंग के अंदर दोनों में ही आपका काम कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर आपको सर्टिफाइड मिलेगा, यहाँ पे सेफ्टी नेट पास रहता है, तो बैंकिंग ऐप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, बैंकिंग ऐप आराम से यूज कर पाओगे विदाउट रूट। और कैमरा अपर्चर का ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट में, पहले भी यही देखने को मिलता था। तो कैमरा सेम है, जीकेम मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, हालांकि यहाँ पर आपको कोई फ्रीजिंग इशू ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, पिक्चर क्लिक कर पाओगे, कोई फ्रीजिंग इशू देखने को फिलहाल कैमरे के अंदर यहाँ पे नहीं मिलता जीकेम के अंदर में। और एफएम का आइकन चेंज हुआ है, बाकी एफएम आप पहले जैसे ही है, काम कर रहा है। एंड इसके अंदर गैलरी कोई भी प्री इंस्टॉल नहीं आती है, गूगल फोटो मैनुअली इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को इसके अंदर मिल जाता है लेकिन मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल नहीं आता है। और अब बात करें सेटिंग की, तो MCESP सेटिंग जो इसके पूरा कस्टमाइजेशन सेक्शन है ऊपर मिल जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर में तो आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, UI सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर डार्क थीम के अंदर में यहाँ पर हेडर इमेज या एनिमेशन वाला मिल जाता है, बाकी और कोई चेंज आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। बाहर में आपके आइकन सेप या फिर आपका आइकन पैक सब सेम रहेगा। एंड लॉकिंग के अंदर में लास्ट में बिल्कुल स्क्रीन शॉर्टकट्स का था यहाँ पे लॉकिंग के लिए, और रिमूव हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। और स्टेटस बार के अंदर जाते हो तो यहाँ पे सो डाटा डिसेबल आइकन के एक ऑप्शन था, रिमूव हुआ है। और नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये न्यू देखने को मिल जाता है, इससे आप स्टेटस बार पर डायरेक्ट स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। बाकी फिर वोल्टी आइकन ये सब पहले के ही मिल जाते हैं। और अब यहाँ पे हम नीचे चले क्विक सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ क्विक सेटिंग पैनल में क्यूएस फूटर वार्निंग सिर्फ पहले था, अब यहाँ पे रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज सिम सेंसिटिव टाइल न्यू है, ब्राइटनेस स्लाइडर की पूरी सेटिंग्स न्यू है जिसमें ऑटो ब्राइटनेस आइकन को ऑन ऑफ कर पाओगे। और नोटिफिकेशन के अंदर में यहाँ पे पहले बैटरी चार्जिंग वार्निंग का एक ऑप्शन था जो कि यहाँ से मूव करके बैटरी सेटिंग में दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे बटन के अंदर में यहाँ पे एक ऑप्शन पहले था, हालांकि पावर मेन्यू सेम है, बट यहाँ पे क्विक टॉगल टॉर्च का था जो अभी जेस्चर के अंदर मूव किया गया है क्विकली टॉर्च के नाम से। एंड यहाँ पे जेस्चर के अंदर में बाहर तो कोई चेंज नहीं है लेकिन जेस्चर के सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे एक क्विक टैप यानी कि बैक टैप वाला जो ऑप्शन है वो था, यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग में यहाँ पे पहले IME बटन का स्पेस का ऑप्शन था वो रिमूव करके अब हाइड जेस्चर बार और ये कीबोर्ड नेविगेशन बार का ऑप्शन अब यहाँ पे ऐड किया गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ आप कर पाओगे इसको। ऐसे नेविगेशन बटन सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। एंड ये आपका प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में पावर मेन्यू ऐड किया गया, पहले डिजिटल असिस्टेंट सिर्फ रहता था, अभी ये क्विक टॉर्च यहाँ पे मिल जाता है टॉगल टॉर्च वाला जो कि पहले अभी वहाँ पे मिलता था।
और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके साउंड के बारे में। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन न्यू है एंड फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाता है। और सिस्टम में जाते हो तो सिस्टम के अंदर में ऊपर के जो तीन ऑप्शन हैं पहले थे, लेकिन यहाँ पे बैक लॉक जो दिया गया है ब्लॉकर ये न्यू है, अलार्म ब्लॉकर ये भी न्यू मिल जाता है, इससे भी बैटरी आपकी सेव होती है। वहीं एंड्रॉयड पी एनिमेशन स्टाइल ये न्यू मिल जाता है, अगर हम ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को अब यहाँ पे मिल जाता है, ऑफ़ करने के बाद नॉर्मल जो था वो आपका देखने को मिल जाएगा। वहीं डिवाइस सेटिंग जो कि आपका सोमी पार्ट्स मिलता है, तो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है। हेडफोन गेन के जो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, पहले भी काम करते थे, इनमें कोई चेंज नहीं है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सेम वैसे प्रेफर नेटवर्क काफ़ी सारे मिल जाते हैं, बाकी हॉटस्पॉट की सेटिंग सेम है और काम करता है हॉटस्पॉट, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट यूज़ कर पाओगे। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर में भी हमारा कास्ट काम कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ, कास्ट वर्किंग रहता है। और ऐप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो असिस्टेंट है बिल्कुल काम कर रहा है, ओके गूगल यूज़ कर पाओगे। बट लॉन्चर पहले पिक्सल का मिलता था, अब यहाँ पे जो है MCASP रोम का ही यहाँ पे लॉन्चर दिया गया है, जिसमें आइकन की सेटिंग्स मिल जाएगी, यानी कि कस्टमाइजेशन वाला अब आपको यहाँ पे लॉन्चर पूरा मिल जाता है। हॉट सीट बैकग्राउंड हो गया, गूगल सर्च बार हो गया, ये सब आपको मिलेगा। ऐप ड्रॉअर की सेटिंग्स मिल जाती, थीम्ड आइकन भी इसमें, रिसेंट में बैकग्राउंड, ऑपोसिटी, स्क्रॉल, वाइब्रेशन, मेमोरी इन्फो ये सब मिलेगा। सजेशन का दिया गया है, और फिर मिसलेनियस के अंदर टास्क बार भी मिल जाता है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप भी देखने को मिल जाएगा, रिस्टार्ट भी है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो एक तरीके से कस्टमाइजेशन वाला आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्चर मिल जाता है। नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बैटरी यूजेस आपका पहले जैसे ही है, बट जैसे कि बताया था बैटरी चार्जिंग वार्निंग जो बैटरी की सेटिंग में मूव हुआ है अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, मूव हुआ है। बाकी बैटरी लाइट का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाएगा और काम करता है, बैटरी परसेंटेज पहले से था। के प्रोफाइल जो दिया गया यहाँ पे मैनेजर के लिए, ये फिलहाल कर्नल के प्रोफाइल मैनेजर ये अभी इस डेट में काम नहीं कर रहा है, सपोर्टेड नहीं कर्नल के साथ में, ये फिलहाल यहाँ पे दिक्कत रहेगा। बाकी अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 81% मिला है, पिछले में जब 3 मंथ करीब किया था 74 था, यानी कि बैटरी काफ़ी इंप्रूव हुई है और ओवरक्लॉक्ड भी है ये, तो इस तरीके की बैटरी रहेगी। बाकी अगर हम साउंड की बात करें तो यहाँ पे मीडिया आपका लेटेस्ट रहेगा, इसमें भी हालांकि मीडिया लेआउट के अंदर जो वॉल्यूम स्लाइडर मिलता है उसमें लैग होता है लेटेस्ट वाले में, यहाँ पे वही अब ऐड किया गया है। बाकी वाइब्रेशन हैप्टिक काम कर रहे हैं और नीचे आपको पर वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, बट यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है। डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डिम पे आइकन मिल रहा है, अब पहले नहीं मिलता था। और बाकी डिस्प्ले लॉकिंग की जो सेटिंग्स है यहाँ पे सेम है, OAOD मिल जाता है। और यहाँ पे ऑटो रोटेशन नॉर्मली अभी फिलहाल कोई मोड्स नहीं मिलता, और बाहर भी आपको कोई चेंज यहाँ पे नीचे नहीं मिलता है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर में हालांकि यहाँ पे आपको जो है कस्टम थीम आइकन का ऑप्शन पहले भी मिलता था, ऐप ग्रिड भी, बट सिस्टम आइकन पैक न्यू ऐड हुआ है, साथ साथ फॉन्ट्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाता है। और जो वॉलपेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में कोई चेंज नहीं, सिक्योरिटी भी वैसे सेम ही है, इंक्रिप्शन आपका वही बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड ही रहता है। एंड यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी सेटिंग देखें तो सेम ही है, अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये अच्छे से ओपन हो रहा है, रिपल इफेक्ट को ऑफ ही रखना, एनिमेशन आपको यहाँ पे ऑफ रहेगा तो काफ़ी अच्छे से अनलॉक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा और फेस अनलॉक भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नीचे फिर सेफ्टी इमरजेंसी है, डिजिटल वेलबिंग इसके अंदर नहीं मिलता, पहले भी नहीं था। सिस्टम के अंदर लैंग्वेज मिल जाएगा, लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज है जो कि 4 से 5 एप्लीकेशन पे पहले भी था और अभी भी मिलता है, तो यहाँ और कोई चेंज हमें नहीं मिलता। अब एंटूटू स्कोर 191,290 है, पिछले में 171,000 था, जैसे कि इस बार ये ओवरक्लॉक्ड है तो स्कोर आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है। वहीं CPU थ्रोट रेट देखते हैं तो यहाँ पे हमें 92% मिलता है, पिछले में 93% के करीब देखने को मिल रहा था। और Geekbench स्कोर देखें तो सिंगल में यहाँ पे 318 है, मल्टी के अंदर 1334 है, पिछले में सिंगल 270 था और मल्टी पे 1179 तक देखने को मिलता था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ब्राइटनेस को लेकर के, ब्राइटनेस स्लाइडर में क्योंकि हल्का सा भी स्लाइड आप करते हो उतने में ही आपका 50 से 60% ब्राइटनेस हाई हो जाता है, उसके बाद बाकी 100 तक जाने के लिए आप वहाँ पे उतना तक लास्ट तक आपको खींचना पड़ेगा, इसको स्लाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपका ब्राइटनेस काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे लेवल पे नहीं है उतना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके गेम के बारे में तो यहाँ पे गेम की ग्राफिक सेम रहेगी, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक, यहाँ पे आपको गेम स्पेस देखने को नहीं मिलता, बाकी स्मूथ एंड हाई पे मैं खेल रहा हूँ। हाँ, गेमिंग भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है, पहले जैसे कि बताता था बिल्कुल नॉर्मल गेमिंग थी, अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर हो चुकी है गेमिंग। अभी भी बिल्कुल परफॉर्मेंस वाला रोम नहीं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाती है ओवरक्लॉक्ड होने के बाद में भी, तो ऐसा नहीं है,
लेकिन फिर भी यहाँ पे 4.19 बेस्ड वाले जितने भी आपको रोम मिलते हैं उनके मुकाबले तो काफ़ी बेटर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये ओवरक्लॉक्ड भी कर्नल के साथ यानी कि मिलता है। तो परफॉर्मेंस ज़रूर यहाँ पे इंप्रूव हुई है, साथ साथ एनिमेशन आपका इंप्रूव मिल जाता है। बैटरी ओवरक्लॉक के साथ में आपको इस तरीके की मिल रही है, तो थोड़ी सी बेटर ज़रूर ही है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देखा हो कि इसका जो चार्जिंग है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। चार्जिंग डिले आपको ज़्यादा नहीं मिलता, चार्जिंग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलता, यानी कि फास्ट चार्जिंग एक तरीके से बोल सकते हो कि उस तरीके से आपका यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब यहाँ पे नॉर्मल आपका चार्जिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और अभी जैसे कि 2-3 मंथ के बाद इसका रिव्यू किया हूँ तो इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं कब तक रिव्यू करते हैं, क्योंकि बीच बीच में इसके अपडेट आते रहते हैं। तब देखते हैं, अगला जब भी होगा आपको आगे के वीडियोज़ में बताएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।